Hello learners, welcome back to my YouTube channel. Today I'm here with your 9th worksheet from your 3rd chapter, your history book, Nationalism in India. And from this chapter, this is our 3rd worksheet. If you don't subscribe my channel, students please subscribe. जैसे ही आप मेरा वीडियो प्ले करते हो उसके साथ एक उसके नीचे एक ऐसा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसे प्रेस कर लें। उसको प्रेस करने के बाद उसके साथ एक बेल आइकन भी होगा, उसे भी दबा लें। इससे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करने का और बेल आइकन को प्रेस करने की कोई फीस आपसे नहीं ली जाती, ये बिल्कुल फ्री है। हाँ, इससे आपको बेनिफिट हो रहा है कि जब भी मैं कोई नई वीडियो वर्कशीट की आया चैप्टर में से आपके लिए डालूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगी। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन टुडेज वीडियो। हम एक टाइमलाइन पर डिस्कस कर रहे थे और उस टाइमलाइन में हमारा नेक्स्ट हम 1919 तक जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था जलियांवाला बाग में सैकर उसको डिस्कस कर चुके थे। नाउ द स्वराज पार्टी 1923 में जो स्वराज पार्टी है उसका गठन किया गया था। अब आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि स्वराज पार्टी का गठन क्यों किया था और किसने किया था, तो हेयर इज़ द पर्सन। ये हैं सी आर दास और ये हैं मोतीलाल नेहरू। तो 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था और ये कांग्रेस से अलग हो गए थे। एज यू नो स्टूडेंट्स, 1885 में ए ओ हयूम 1885 में ए ओ हयूम नाम के एक अंग्रेज ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी थी और 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी का गठन किया। अब क्यों किया इन्होंने गठन, वो हम बताते हैं। हमने जब 1919 वाला जलियांवाला बाग मशाकर पढ़ा तो हमने ये भी पढ़ा था कि 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हो जाता है। अब जो महात्मा गांधी हैं वो सस्पेंड कर देते हैं, यानी कि उस मूवमेंट को वापस ले लेते हैं, उसे ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। क्योंकि उस समय पर जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो अपनी पीक पर था और बहुत सारे जो हिस्टोरियन हैं वो ये भी कहते हैं कि यदि महात्मा गांधी उस समय पर वो डिसीजन नहीं लेते तो मे बी हम 1920 या 1923 के आसपास हम उसी टाइम पर फ्री हो गए होते। अब क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी ने ऐसा किया क्यों। महात्मा गांधी ने जब इतने पीक पर मूवमेंट चल रहा था तो उसे सस्पेंड क्यों किया, उसके पीछे एक रीज़न था। उत्तर प्रदेश गोरखपुर में एक जगह है चोरी चोरा, ये एक प्लेस का नाम है जहां पर एक पीसफुल डेमोंस्ट्रेशन चल रहा था, यानी कि लोग पीसफुली मार्च कर रहे थे और अपना जो ऑब्जेक्शन है वो रख रहे थे, ओपोज कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। वो सडनली एक वायलेंट क्लैश में चेंज हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब वो साइलेंटली मूव कर रहे होते हैं तो पुलिस मैन जो है वो आकर के उन्हें रोकते हैं कि उस जगह पर वो आगे नहीं जा सकते और अपने मार्चिंग कॉन्टिनेंट को वो वापस ले लें। और इसी बात पर उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है और पुलिस वाले उनके ऊपर फायर कर देते हैं, जिससे जो मोब है यानी कि जो भीड़ है वो बहुत गुस्सा हो जाती है और वो उन पुलिस कर्मियों को मारती है और उसके बाद उन्हें पुलिस स्टेशन के अंदर बंद करके पुलिस स्टेशन को ही आग लगा देती है, जिसकी वजह से वो 22 जो पुलिसमैन थे वो जिंदा जलकर मर जाते हैं, जिससे महात्मा गांधी जो है उनको बहुत आहत होता है, उनकी सोल जो है बहुत चोट पहुँचती है। उन्हें लगता है कि इस इंसिडेंट के लिए कहीं ना कहीं मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि मैंने जो नॉन वायलेंस का जो मेरा प्रिंसिपल था वो मैंने लोगों के अंदर अच्छे से फिट नहीं किया। तो महात्मा गांधी उसको खुद को जिम्मेदार मानते हैं और उससे दुखी होकर के वो उस मूवमेंट को वहीं पर सस्पेंड कर देते हैं, जिससे लोग भी
और लीडर्स भी बहुत नाराज होते हैं, और उसी टाइम पर जो कांग्रेस है वो दो में दो पार्टीशन हो जाता है उसका, और दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक होते हैं लिबरल्स यानी कि गरम दल, और एक नरम दल, यानी कि नरम दल में वो लोग थे जो गांधी जी और उनके कांग्रेस के प्रिंसिपल्स को स्वीकार करते थे, और गरम दल के अंदर लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस जैसे ऐसे मॉडर्न विचारों के लीडर थे, उन्हें लगता था कि ये कुछ गलत नहीं हुआ है। उसके बाद हेयर यू कैन सी इन द मैप द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस, ये आपके इस चैप्टर से मैप जरूर आता है स्टूडेंट्स, और उससे यही इंसिडेंट्स भरे जाते हैं। अमृतसर सबसे पहले आप देख पा रहे हो, अमृतसर ये वो वाला प्लेस था, यहाँ पर बिल्कुल लोकेशन देखिए इसकी, अमृतसर वो वाली जगह थी जहाँ पर जलियांवाला बाग मशक्कर हुआ था। उसके बाद चोरी चोरा है चंपारण बिहार में, डांडी और बारदोली दोनों ही गुजरात में है, तो आप इनकी लोकेशन देख सकते हैं, ये जो सिंगल डार्क डॉट है इससे यू कैन सी दैट। नाउ द उसके बाद उस मूवमेंट को ख़त्म कर दिया जाता है और स्वराज पार्टी का भी गठन हो जाता है। फिर टाइम आता है 1927 में साइमन कमीशन। अब ये क्या था, ये है सर जॉन साइमन, इनकी अध्यक्षता में इनके नीचे 7 मेंबर्स का एक कमीशन बनाया जाता है और उसे भारत भेजा जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरिए कि वो वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन को देखे और कुछ सजेशंस उसको रिफॉर्म करने के, उसको सुधारने के, जो पॉलिटिकल कंडीशन इस समय पर भारत में है उसका जायजा ले और उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है उसके लिए सजेशन दे। लेकिन ये जो साइमन कमीशन था इसका इंडियन जो पीपल थे, इंडियन जो पॉपुलेशन थी, उसने इस तरह से ब्लैक फ्लैग के जरिए ऐसे नारे लगाए, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। अब ये लोग इसको अपोज क्यों कर रहे हैं, आपके दिमाग में ज़रूर ये क्वेश्चन आएगा। ओके, इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व कर देते हैं, क्योंकि इस कमीशन को वाइट कमीशन भी कहा जाता है। अब वाइट कमीशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक भी सिंगल इंडियन को मेंबर के रूप में प्लेस नहीं दी गई थी। 7 के 7 मेंबर्स ब्रिटिशर्स थे, फिर वो कैसे इंडियन पॉलिटिक्स की सिचुएशन को डिस्कस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो इसलिए उसको अपोज किया गया। और जब लोगों ने उसको बायकॉट किया और जब ये कमीशन लाहौर, उस समय अभी का जो लाहौर है वो पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय पर पार्टीशन नहीं हुआ था इंडिया का, तो लाहौर इज़ द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्टिनेंट, तो जब लाहौर पहुंचता है तो वहाँ के जो लीडर थे लाला लाजपत राय, वो अपने फॉलोवर्स के साथ, लोगों के साथ उसको ब्लैक फ्लैग से ग्रीट करते हैं, उसका वेलकम करते हैं और ये स्लोगन बोलते हैं साइमन गो बैक, यानी कि अपोज करते हैं उनको इस तरह से। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बर्दाश्त नहीं होता है और वो लाठीचार्ज का ऑर्डर दे देती है, और उस लाठीचार्ज में जो लाला लाजपत राय थे वो बैडली इंजर्ड हो जाते हैं और लेटर ऑन वो मर जाते हैं जस्ट ड्यू टू दैट लाठी चार्ज। और लाला जी को द लॉयन ऑफ पंजाब कहा जाता था, तो लोगों के अंदर बहुत भीड़ थी, बहुत गुस्सा था लोगों में। जब लाला लाजपत राय मरने लगे तो उनके लास्ट वर्ड थे, एवरी ब्लो ऑफ द लाठी ऑन माय बॉडी वुड बिकम अ नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। कॉफिन होता है जो क्रिश्चियन लोग होते हैं अपनी जो पर्सन मर जाता है उसकी डेड बॉडी को, वो जो ताबूत होता है उसके अंदर रख के उसको ज़मीन में गाड़ देते हैं, तो कॉफिन वो ताबूत होता है। तो इन्होंने कहा था कि जो मेरे शरीर पर एक एक लाठी जो पड़ी है वो उस कील के समान है जो उस ताबूत को तैयार करने में ठोकी गई है, और शीघ्र ही जो ब्रिटिश एम्पायर है उस ताबूत के अंदर हम उसको डालकर ज़मीन के अंदर गाड़ देंगे। ठीक है, ये उनके उनकी ये कोटेशन है, बहुत इम्पॉर्टेंट कोटेशन है स्टूडेंट्स, आपको याद रखनी है कि मेरे शरीर पर पड़ने वाली एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में ठोकी गई एक एक कील है। उसके बाद 1929 में जो लॉर्ड इरविन है वो डिक्लेयर कर देते हैं डोमिनियन स्टेटस। अब ये डोमिनियन स्टेटस क्या चीज़ है, एक्चुअली
जो डोमिनियन स्टेटस है वो एक टाइटल होता था जो सेमी इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स को दिया जाता था ब्रिटिश क्राउन ने। इसमें जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस हैं वो कंट्रोल किए जाते थे इनके सिटीजन्स के द्वारा, केवल कुछ मुद्दों को छोड़कर, जैसे फॉरेन रिलेशंस, डिफेंस, कम्युनिकेशंस, इस तरह के। अब आपको समझ नहीं आया होगा डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, तो मैं इसको दोबारा से एक सिंपल से आपके डेली एग्जांपल से समझा देती हूँ। जैसा कि आपका स्कूल है, सबको पता है कि आपके जो स्कूल की अथॉरिटी है वो CBSE डिसाइड करती है। हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो CBSE से एफिलिएटेड होते हैं, और बहुत सारे स्कूल्स होते हैं। क्या केवल हमारा स्कूल है? नहीं, बहुत सारे स्कूल्स हैं CBSE के अंडर। अब जो स्कूल है वो एनुअल फंक्शन कब होगा, स्पोर्ट्स डे कब होगा, या यूनिट टेस्ट हमें कब लेने हैं, या फिर हम क्लास टेस्ट कब लेंगे, हम रिटन लेंगे कि ओरल लेंगे, ऐसे बहुत सारे जो लॉज हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो स्कूल खुद डिसाइड करता है कि वो कैसे करेगा। लेकिन कुछ डिसीजन, जैसे फाइनल एग्ज़ाम कब होंगे, सिलेबस क्या होगा, किस चैप्टर को रिमूव करना है, किसे ऐड करना है, ये जो बेसिक डिसीजंस हैं ये CBSE लेता है सभी स्कूल्स के लिए, ठीक है। ऐसा ही डोमिनियन स्टेटस होता है, ये ब्रिटिश क्राउन है जो कुछ स्टेट्स को रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। वहाँ के सिटीजन्स डिसाइड करते हैं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर केवल डिसीजन क्राउन लेता है, ठीक है। बहुत सारे जो बहुत टाइम से, ऑलमोस्ट 1908 और 1910 से ही लोग, इंडियन पीपल जो हैं वो डोमिनियन स्टेटस की डिमांड कर रहे थे कि हमें मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने कभी भी हाँ नहीं किया। और जब उन्होंने 1929 में लॉर्ड इरविन ने ये डोमिनियन स्टेटस का मुद्दा, इसको एक्सेप्ट किया, इसको अनाउंस किया, तब तक लोगों के अंदर इतना गुस्सा हो गया था कि जो पीपल हैं उन्हें डोमिनियन स्टेटस चाहिए ही नहीं था, अब उन्हें चाहिए थी कंप्लीट फ्रीडम, यानी वो अब कंप्लीट रिपब्लिक चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का कुछ भी इंटरफेयर उनके अंदर हो। अब मार्च 1930 में सॉल्ट सत्याग्रह, यानी कि नमक सत्याग्रह जो है उसे सॉल्ट सत्याग्रह, डांडी मार्च, डांडी सत्याग्रह भी कहा जाता है, वो स्टार्ट होता है। और ये स्टार्ट होता है 12 मार्च टू 6 अप्रैल 1930। इसका रीज़न क्या था? उस समय पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगा दिया था, एंड एक जो पुअर फैमिली होती है, जो पुअर पीपल होते हैं, उनके लिए सॉल्ट उनके फूड का एक बेसिक इंग्रेडिएंट्स होता है। यदि उनके पास वेजिटेबल्स नहीं होती हैं तो वो सिंपली आटे में सॉल्ट डाल करके भी अपना खाना खा सकते हैं, तो उनके लिए एक बेसिक इंग्रेडिएंट्स है। और इसी पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज कर दिया था, जिससे पीपल बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए थे। और महात्मा गांधी भी नहीं चाहते थे कि सॉल्ट के ऊपर जो टैक्स लगा है वो लगे, वो उसको हटाना चाहते थे। तो उन्होंने एक दांडी मार्च, सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट किया था। इसके पीछे दो बेसिक रीजन थे। पहला रीजन ये था कि ये जो टैक्स इम्पोज किया गया है उसके अगेंस्ट थे, जो ब्रिटिशर्स की मोनोपोली थी उसे ख़त्म करना चाहते थे, उसे रिमूव करना चाहते थे। सेकेंड क्या था कि ये एक नया मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते थे, तो उसके लिए उन्हें एक परफेक्ट स्टार्टिंग चाहिए थी, एक उन्हें उस मूवमेंट को इनोग्रेट करने के लिए एक बहुत सॉलिड रीजन चाहिए था, जिससे जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा महात्मा गांधी के साथ जुड़े और मूवमेंट का पार्ट बने। तो इस सॉल्ट मार्च से बेटर उनको कोई ऑप्शन नहीं लगा। अब ये जो सॉल्ट मार्च है ये 1779 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ स्टार्ट हुआ था, और ये जो महात्मा गांधी लगभग 10 माइल्स रोज़ाना चलते थे और 24 डेज तक चले थे, यानी
40 माइल्स चले टोटल डिस्टेंस, इन्होंने किलोमीटर में कहें तो 384 किलोमीटर चले। ये साबरमती आश्रम से और समुद्र के किनारे दांडी नामक एक जगह से आकर ख़त्म हो गई थी, जहाँ पर 6:30 AM 6 अप्रैल को इन्होंने सॉल्ट बना करके उस सॉल्ट लॉ को तोड़ा था, ब्रेक किया था, जिस और ये एक परफेक्ट स्टार्टिंग थी सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट की। अब सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब ये सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट क्या था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में से थोड़ा अलग था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमें ये उसे कॉपरेट नहीं करना था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, लेकिन सिविल डिसऑबिडियंस ऑबिडियंस का मतलब होता है आज्ञा मानना, डिसऑबिडियंस मतलब नेगेटिव मीनिंग, आज्ञा नहीं मानना यानी अवज्ञा करना। तो इसका नाम भी इसीलिए रखा गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी प्यार से हमें ब्रिटिशर्स की जो ऑबिडियंस है उसे नहीं मानना है, लेकिन विनम्रता से सविनय। उन्होंने केवल उसे कॉपरेट नहीं करना था बल्कि रूल्स को लॉज को तोड़ना भी था। फॉरेन क्लोथ्स, जैसे जैसे मूवमेंट स्टार्ट होता गया ये अपने पीक पर जाता गया, तो फॉरेन क्लोथ्स को बायकॉट किया गया, लिकर शॉप्स को पिकेटेड किया गया, वुमन्स भी नाउ द पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट, पीजेंट्स ने रेवेन्यू पे करने से मना कर दिया, विलेज जो ऑफिशियल्स थे रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, जो फॉरेस्ट पीपल थे वो अब रिजर्व्ड फोर्स्ट में अपने एनिमल्स को ले जाने लगे और वहाँ पर वुड कलेक्ट करने लगे, जिससे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो बहुत ही चिंतित हो गई, वरिड हो गई, और उन्होंने जो कांग्रेस लीडर्स थे उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। तो 4 May 1930 को गांधी जी भी अरेस्ट कर लिए गए। नाउ द टाइमलाइन, जो टाइमलाइन हमने अपने लास्ट वर्कशीट में डिस्कस की थी स्टूडेंट्स, उसी से आगे आप इन पॉइंट्स को ऐड कर लीजिएगा उसी के आगे, ताकि आपकी टाइमलाइन जो है वो आगे चलती रहे। 1930 में स्वराज पार्टी, 1927 में साइमन कमीशन, 1929 में लॉर्ड इरविन का डोमिनियन स्टेटस देना, 1930 में सॉल्ट मार्च, और 4 May 1930 को गांधी जी अरेस्ट हो गए। ये उसी टाइमलाइन के आगे आप ऐड कर देना, जिससे आपकी टाइमलाइन कंप्लीट हो जाएगी। एंड ये आपके वर्कशीट में दिया गया है पूरा डांडी मार्च का कैसे कैसे क्या हुआ था, और मैंने यही आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ऑन 6 April 1930 गांधी जी अलॉन्ग विद 78 ऑफ हिज कलीग्स रीच्ड डांडी, ब्रोक द सॉल्ट लॉ एंड स्टार्टेड द मूवमेंट। ओके, सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सम एस्पेक्ट्स। दिस टाइम द पीपल वर कॉल्ड अपॉन नॉट ओनली फॉर द नॉन कॉपरेशन ऑफ द ब्रिटिश। इस बार लोगों को केवल इसलिए आह्वान नहीं किया गया था कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सहयोग ना करें, बट इसलिए भी किया गया था कि अब उनको कॉलोनियल जो उपनिवेशिक सरकार ने लॉज बना रखे हैं उन्हें भी तोड़ना है। इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री पीपल ब्रोक द सॉल्ट लॉ, बहुत सारे इंडिया के पार्ट्स में सॉल्ट लॉ को तोड़ा गया, और लोगों ने जो सॉल्ट फैक्ट्रीज थी गवर्नमेंट की उनके अगेंस्ट उनके सामने जाके प्रोटेस्ट किया, और द मेथड ऑफ प्रोटेस्ट इंक्लूडिंग बायकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स को बायकॉट करना, पिकेटिंग करना शॉप्स की, रेवेन्यू पे ना करना और चौकीदारी टैक्स ना देना, वॉयलेशन ऑफ फॉरेस्ट लॉज को तोड़ना, ये सब उस मूवमेंट का ही पार्ट थे। नाउ द गवर्नमेंट रथलेसली क्रश्ड द मूवमेंट आफ्टर द गांधी इरविन पैक्ट। लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में 5 March 1931 को गांधी जी लंदन गए थे टू अटेंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो टेबल होता है वो राउंड है, इसलिए उसको नाम दिया गया है राउंड टेबल, यानी गोल मेज सम्मेलन, वेयर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑन द इश्यूज ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड माइनॉरिटीज वॉज अनसक्सेसफुल। अब वहाँ पर जो लॉर्ड इरविन है वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉलो करते हैं, वो चाहते हैं कि जो माइनॉरिटीज़ हैं यानी कि जो मुस्लिम्स हैं उन्हें हम एक अलग से इलेक्टोरेट दे रहे हैं। उसका मतलब क्या है कि जो वहाँ पर से केवल इलेक्शन जो है वो मुस्लिम ही लड़ेगा और जीतने का राइट भी केवल मुस्लिम के पास है, जिसे गांधी जी को लगा कि ये डिवाइड कर रहे हैं हमारी पॉपुलेशन को, इसलिए
उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये फेल हो गई। इस के फेल होने के बाद गांधी जी अब ज़्यादा कुछ क्रिएटिव करना चाहते थे, जैसे अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना, हरिजन को राइट देना और पॉलिटिकल अवेयरनेस लोगों के बीच में चाहते थे ताकि ब्रिटिशर्स किसी भी तरह से उन्हें लोगों को ना तोड़ पाएँ, उन्हें डिवाइड ना कर पाएँ। एंड हियर स्टूडेंट्स, नाउ द टाइम ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट है, व्हाई डिड गांधी जी चूज अ सिंपल थिंग लाइक सॉल्ट फॉर द मूवमेंट? इज सॉल्ट स्टिल टैक्स्ड टुडे? गांधी जी ने नमक जैसी एक सिंपल सी चीज़ को अपने मूवमेंट के लिए क्यों चुना और क्या आज भी सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाया जाता है? इवन इन सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट व्हाट मेथड्स डिड पीपल यूज टू प्रोटेस्ट? जब सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो लोगों ने अपोज करने के लिए क्या क्या मैथड यूज़ किए? Why did the second round table conference fail? जो second गोलमेज सम्मेलन था वो क्यों असफल हो गया? Write the name of two prominent social reformers who fought for the eradication of untouchability. आपको ऐसे दो लोगों के नाम बताने हैं, ऐसे दो सुधारकों के नाम बताने हैं जिन्होंने untouchability को ख़त्म करने के लिए फाइट की थी। And this is your worksheet. I have discussed all the topics given in this. And if you have any doubt regarding any topic, you can comment me and I definitely will give you the answer. If you like my videos, then share with your friends, give a big thumbs up to my videos, subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thanks for watching. Have a nice day.